आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा हरियाणा के मिनी राजधानी कहे जाने वाली पंचकुला ट्राई सिटी का है, जहां पर आज अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में टीजीटी इंग्लिश युवा सड़कों पर उतर आए और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया। घेराव के दौरान युवाओं ने आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खट्टर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो सीएम सिटी करनाल में अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे। हम इस डर से डरकर यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरह से हरियाणा सरकार भर्तियों को एक कैंसिल कर रही है लगातार, जैसे अब अभी पीजीटी संस्कृत को रद्द किया है। हम 6 साल से पीड़ित हैं और कभी कोर्टों में, कभी जो है या एचएसएससी में, कभी सीएम हाउस में धक्के खा रहे हैं इस भर्ती को पूरा कराने के लिए। हालांकि इस पे ये तीसरी बार स्टे लगा है, बीच में कई बार स्टे वैकेंट रहा है, उस पे सरकार ने कोई गौर नहीं की और इसका रिजल्ट जो है जारी नहीं किया। 2016 में इंटरव्यू हुए थे और वो सारी प्रोसेस प्रक्रिया होकर के पूरी होकर के अब सिर्फ फाइनल रिजल्ट निकालना है, जिस पर अब स्टे होने की जैसे सरकार एक तरह से प्रतीक्षा ही कर रही थी, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो हाई कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से या एजी डबल एजी डीएजी किसी को भी भेजकर इस स्टे का निपटारा करवा सकती थी। हम फर्स्ट बेंच में जीते हुए हैं और फर्स्ट बेंच का निर्णय हमारे पक्ष में आया हुआ है। सरकार दावे करती है कि हम जो है टीजी इसके इंग्लिश के मॉडल स्कूल खोलेंगे, हम हरियाणा की संस्कृति को बचाए रखेंगे। ना संस्कृत को वो प्रेफर कर रहे हैं, ना इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हैं। 6 साल कोई थोड़ा समय नहीं होता, हमारे जो साथी हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, बच्चे कम से कम 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, हमारे कुछ इस तरह के हमारे साथी हैं ओवर एज हो चुके हैं। आज अगर इस अवस्था में चेयरमैन भारती या हरियाणा सरकार, कोई भी जो अथॉरिटी है, इस भर्ती को रद्द कर दे तो आप बताइए हमारा भविष्य कैसा होगा। हमारा भविष्य पूरी तरह अंधकार में होगा, और हमारा तो होगा ही, लेकिन अब हमने भी ये ठान लिया है कि हरियाणा सरकार का भविष्य भी अंधकार में करके छोड़ेंगे। तो अब आगे अभी भी मांग नहीं मानते तो आगे कैसे रहेगा नल का प्रश्न? आगे हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे सीएम सिटी करनाल। प्रदर्शन कर रहे टीजीटी इंग्लिश युवाओं का कहना है कि 2015 में विज्ञापित टीजीटी इंग्लिश के 1035 पदों की भर्ती पिछले 6 साल से लटकी हुई है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। और 1035 परिवार पिछले 6 साल से अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार उनकी कोर्ट में मजबूत पैरवी न करके युवाओं के अंधकार में हो रहे भविष्य को मूक दर्शक बनकर देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भी युवाओं को झूठे आश्वासन देकर टाल देते हैं, जिससे प्रदेश के टीजीटी इंग्लिश के युवा परेशान हैं और आज सड़क पर आ गए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले ये उम्मीदवार कोरोना की वजह से बंद प्राइवेट स्कूलों से भी बाहर कर दिए गए हैं, जिससे परिवार का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है, और ऊपर से रद्द हो रही अन्य भर्तियों का डर भी उन्हें सता रहा है। सरकार से मांग है कि स्वयं उनकी जल्द सुनवाई की अर्जी उच्च न्यायालय में लगाकर परिणाम पर लगी रोक को हटवाया जाए और परिणाम घोषित कर शीघ्र ही टीजीटी इंग्लिश के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का काम हो। पंचकुला से उमंग श्योराण, पंजाब केसरी टीवी।